Hello guys, I'm Dr. Neha Mirazkar. I'm a physiotherapist and a first year master's osteopathy student. I'm a state level champion in tug of war and also an inter-university national level player. Along with this, I also play badminton and volleyball. I absolutely love fitness and I have some experience as a gym trainer as it was a part of my internship. मैं अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को हाईएस्ट प्रायोरिटी देती हूँ बिकॉज आई फील फॉर वुमेन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी स्पेसिफिकली कोर एंड पेल्विक फ्लोर। सो आज के वीडियो में मैं आपको कोर मसल्स और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी और थोड़े बहुत इजी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी जो टीनेजर्स से लेके बड़ों तक कोई भी कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। Our core includes transverse abdominis muscle, which is the deepest muscle, and over that we have rectus abdominis muscle, which is your four packs or six packs muscle, and covering that we have internal and external obliques. There are two more muscles that are multifidus and erector spinae, which are the deep muscles of the back. ये muscles हमारे abdomen को cover करते हैं, हमारे abdomen को support करते हैं और हमारे posture को maintain करने में help करते हैं। ये कोर मसल्स हमारे ऑर्गन्स को भी सपोर्ट देते हैं और अगर हमारा कोर वीक हो तो हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन एंड सो ऑन। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग करने से हमारा ओवरऑल बैलेंस इम्प्रूव होता है और हमारे शरीर में स्टेबिलिटी आती है। विसरल फैट यानी हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो फैट होता है वो इजिली कट डाउन नहीं होता, इसलिए अगर आप रेगुलरली कोर एक्सरसाइजेस करो तो आपका फैट मेल्ट होगा और वेट लॉस होगा। डाइजेस्टिव फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और करेक्ट पोस्चर मेंटेन हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे पेट बढ़ते जाता है, साथ ही साथ हमारे कोर मसल्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं और आफ्टर डिलीवरी कोर मसल्स काफी वीक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, यानी उनका टोन कम हो जाता है। दिस इज द रीजन काफी औरतों को बैक इश्यूज हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। सो एज अ फिजियो आई नॉट ओनली फोकस ऑन पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एंड बैक स्ट्रेंथनिंग बट ऑल्सो ऑन कोर मसल्स। एक और फैक्ट जो हम में से काफी लोग नहीं जानते हैं कि अगर हमारा कोर वीक हो तो हमारे मंथली पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं और हमारा फ्लो भी कम हो जाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग एब्स। बिफोर स्टार्टिंग दीज एक्सरसाइजेस इट इज नेसेसरी टू डू स्लाइट वार्म अप लाइक स्पॉट जॉगिंग और यू कैन इवन डू फ्यू राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। ओके सो इट्स टाइम टू एक्सरसाइज, लेट्स गेट दोज एब्स रोलिंग। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रिजिंग। नाभि को अंदर खींचकर कमर ऊपर उठानी है। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है। एंड रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ, ऐसे आपको 10 राउंड्स करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज इज हील टच। पैरों को फोल्ड करके हाथों से हील्स को टच करना है। कंटिन्यू फॉर 30 सेकेंड्स मिनिमम एंड देन रिलैक्स। मेक श्योर यू ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। थर्ड एक्सरसाइज इज रशियन ट्विस्ट। पैरों को हल्के से मोड़कर अपर बॉडी को साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। फोर्थ एक्सरसाइज इज इन एंड आउट। पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर इन एंड आउट मूवमेंट करनी है। सांस लेते हुए पैर सीधे करने हैं और सांस छोड़ते वक्त ब्रिंग देम बैक। फिफ्थ एक्सरसाइज इज हंड्रेड्स। पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। सिक्स एक्सरसाइजेस माउंटेन क्लाइंबर्स। फुल प्लैंक पोजीशन में आ जाए। पूरे एक्सरसाइज में आपको नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से बाहर छोड़नी है और सांस छोड़ते वक्त आपको लेफ्ट नी राइट एल्बो को टच करना है और फिर राइट नी लेफ्ट एल्बो को टच करना है ऑपोजिट मैनर में।
लास्ट एक्सरसाइज इज हाफ क्रंचेस। इसमें आपको लेटकर पैरों को फोल्ड करना है, नाक से सांस भरनी है और मुंह से छोड़ते वक्त अपर बॉडी को 2 to 3 inches ऊपर उठाना है। कंटिन्यू फॉर 30 seconds मिनिमम एंड देन रिलैक्स। Make sure you lie down after completing all the exercises to cool your body down. So that is it for today guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do subscribe to Osteodose और हमारे ये वीडियो को like, comment और share करें. Until then, bye. Stay safe, stay healthy.